और आइए आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आ गई है सामने। अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो आज के दिन का इंतजार था, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई थी बुलडोजर एक्शन को लेकर, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आपको बता रहे हैं। अवैध निर्माण जहां जहां पर हो रहा है, देखिए वहां पर तो साफ हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, मतलब अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ और नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कई मायनों में अहम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर यह सख्त टिप्पणी की है, तो सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कई मायनों में अहम है। और जानकारी इसके ऊपर हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमें देंगे। शंकर आनंद, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कई मायनों में अहम है, बुलडोजर एक्शन अगर देश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, जाहिर तौर पर देश का सबसे बड़ा सूबा है, और यहां पर जब भ्रष्टाचार में लिप्त या फिर अपराध में लिप्त लोगों की बात आती है तो उनकी संपत्ति की कुर्की के साथ साथ बुलडोजर एक्शन भी होता है। अब यहां सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है कई मायनों में अहम है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी बातें कही हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बुलडोजर जस्टिस के से जुड़े मामले पर आज सुनवाई हो रही थी, और जिस तरह से आज चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, वहां उनकी भी बकायदा आज चर्चा हुई है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जिस तरह से कि ऐसा प्रतीत होता है कि तोड़फोड़ का जो आंकड़ा है वो 4.5 लाख के बीच में है, और जिस तरह से इस मामले पर जस्टिस गवई ने कहा कि जब मैं बॉम्बे हाईकोर्ट में था तब उस वक्त में भी इस तरह के मामले आए थे, तो एक तरह कह सकते हैं कि बुलडोजर मामले से जुड़े मामले में आज बेहद महत्वपूर्ण जो सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, और इस मामले पर कई जो ऑब्जर्वेशन जो है वो देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरह से कई ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जिस तरह से याचिकाकर्ता के द्वारा तमाम मामलों में बताया गया कि अब तक कितने घर तोड़े जा चुके हैं, किन लोगों के घर तोड़े जा चुके हैं, तो इन तमाम मामलों पर जो विस्तार से जो डेटा है वो कोर्ट के सामने रखा गया। हालांकि इस मामले पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हम ऐसे मामले पर भी आएंगे, जब जो 28 लोगों के घर तोड़ने की जब बातचीत हुई और उस बारे में बातचीत किया गया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्म निरपेक्ष देश में रहते हैं और ये निर्देश जो है पूरे देश पर लागू होंगे। जी शंकर आनंद, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए गए थे, जिस पर प्रदेश में समाजवादी पार्टी होगी, बसपा हो गई, उन्होंने योगी सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। लेकिन आज की टिप्पणी बहुत खास हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि ये साफ हो गया है कि अवैध निर्माण पर तो कार्रवाई करेगा ही बुलडोजर। निश्चित तौर पर देखिए, अवैध निर्माण से जुड़े मामले पर जिस तरह से कार्रवाई जो है कई राज्यों में देखने को मिली है, तो इस मामले पर एक तरह से कह सकते हैं कि आज जो सुनवाई हो रही थी तो उन अलग अलग राज्यों में दायर उस जो जुड़े हुए जो याचिका है उस पर भी बकाया सुनवाई हुई है। और जिस तरह से इस मामले पर सुनवाई के दौरान में जस्टिस गवई ने कहा कि अगर कोई नगर पालिका कानून का दुरुपयोग करता है तो उसे हम रोक नहीं सकते। इसके साथ ही एजी ने ये भी कहा, उचित कहा कि उचित अवधि दी जानी चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील सीवी सिंह ने कहा कि हम लंबी अवधि चाहते हैं, जिससे कि व्यवस्थित दुरुपयोग का जो मामला है वो मामला जो है ध्यान जो है वो एकत्रित करना चाह रहे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह से कई याचिकाएं दायर हुई है, तो उन तमाम याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में काफी विस्तार से सुनवाई चल रही है। जी ठीक है, क्या इस वक्त भी सुनवाई चल रही है शंकर आनंद सुप्रीम कोर्ट की? तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है इस समय, जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे शंकर आनंद इसके ऊपर। देखिए बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, अवैध निर्माण पर तो कार्रवाई नहीं रुकेगी क्योंकि लोगों की सुरक्षा से बड़ा कोई और मुद्दा नहीं है। और आइए कुछ देर ले चलते हैं हरियाणा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कलानौर के बसाना में जनसभा कर रहे हैं। हमारे हजारों मेहनत करने वाले युवा बेटे और बेटियां वो जातिवाद और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। ये वही कांग्रेस है जिसके शासनकाल में हरियाणा में खुलेआम भ्रष्टाचार होता था, घूसखोरी होती थी, दलाली का खेल खेला जाता था। ये वही कांग्रेस है जिसने गरीब किसानों की जमीनें छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों और अपने दामाद को कौड़ियों की भाव देने का काम करती थी।
ये वही कांग्रेस है जिसके राज में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार होता था, चरम पर अत्याचार होता था और उनकी FIR भी नहीं लिखी जाती थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस के राज में दलितों पर हुए अथाह अत्याचारों की अगर गिनती शुरू की जाएगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इनके पाप कभी खत्म नहीं होंगे। ये वही अभी हाल में आपने देखा होगा हरियाणा की बात है, एक समय हरियाणा की पहचान पूरे देश के अंदर ऐसी थी कि यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बेटियों की भ्रूण हत्या की जाती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से यहीं से हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान देश के लिए शुरू किया तो आज हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल गई। आज ये रेशियो जो बहुत नीचे हुआ करता था, ये रेशियो आज 900 पर पहुंच गया है। भाइयों बहनों, 900 पर पहुंच गया है। अभी हाल में देखा होगा आपने कांग्रेस पार्टी में इन्होंने अपनी पार्टी की दलित एवं महिला सांसद पर जिस तरह से सर्वनाश टिप्पणियां कराई उसको किसी तरह से भी माफ नहीं किया जा सकता है। भाइयों बहनों, हरियाणा में इनकी सरकार आते ही कई प्रकार का भाजपा की सरकार जब से आई है, जो ये महिलाओं पर अत्याचार होता था, तमाम प्रकार की गुंडागर्दी होती थी, इन सबको संरक्षण मिला है। डबल इंजन की सरकार द्वारा गरीब परिवारों को घर दिया जा रहा है, उसके ऊपर अत्याचार करने वालों पर आज कठोर कार्रवाई हो रही है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार में जो एक सबसे अच्छा काम हुआ है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गई है और हरियाणा में कानून का राज स्थापित किया गया है। पिछले 10 सालों में कांग्रेसियों को भ्रष्टाचार करने का कोई मौका नहीं मिला है, अब ये मौका खोज रहे हैं, इसलिए वो फिर से सरकार में आकर भ्रष्टाचार करने के लिए तड़प रहे हैं। और आपने देखा होगा कांग्रेस के कुछ नेता, मैं पिछले कई दिनों से हरियाणा के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गया हूँ, आप लोगों ने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, कांग्रेस के विधायक के प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि मैं 2 लाख नौकरियों में से सबसे पहले 2000 नौकरी पर्ची खर्ची के सिस्टम से लगवाऊंगा, अपने नातेदारों की रिश्तेदारों की लगवाऊंगा या अपने पिछलग्गू लोगों की लगवाऊंगा। भाइयों बहनों, इस प्रकार का खेल, घूसखोरी और जो दलाली का खेल है, ये फिर से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से हरियाणा में आज एक उत्साह लोगों में बना हुआ है, एक उमंग बनी हुई है,